कि पतंजलि तो देखिए स्वदेशी है, उसके ऊपर क्यों इस तरीके से किसान हावी हो रहे हैं? उसके ऊपर इस तरह हो रहे हैं मैडम जी, अगर कोई बंदा रह रहा नहीं जिसने किसानों के नाटक करे थे, तो रामदेवा ये भी तो बच रहा, वो डेढ़ डांख खा लेने शर्म नहीं आंदी के वो पहला लंगोट बांध का वो दांती के लोग मान ली उन्होंने भी नाटक करे थे, उसकी भी एक फोटो मेरे सामने आई फेसबुक पर ही भाई वाह मेरे पे लुक रहा था वो, और उसकी एक्टिंग का मैंने सारा सामान तैयार दर रखा, अगले इंटरव्यू में वो पेश किया जाएगा, क्योंकि वो जो उन्होंने भी लंगोट बांध एक लाल सा लंगोट बांध कर वो भी डमल बांध का सिर पर क्यों लग रहा काटन कड़ी बैठे हुआ, वो भी किसानों के नाटक कर रहा था। और रोकी मित्तल जो पहले सरकार में थे, अब उन्होंने सीएम के खिलाफ गाना बनाया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी गलतफहमी थी मेरे को पहले, वो क्यों अच्छा एक बार गलतफहमी भी उसका भी एक कारण है मैडम जी, उन्होंने कहा भाई अपने आप ही कह रहे हैं वो, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने असला मसला जो न्यूज चैनल है उस पर इंटरव्यू दिया था, भाई 1500 करोड़ रुपए खट्टर की जो प्रचार करे खट्टर को उस पर मैंने खर्च दिया, 250 करोड़ एक साल के मैंने खर्चे, हरियाणा एक हरियाणवी में ऐसे ऐसे स्लोगन बनाकर उन्होंने लगवाए चाहे गाने बनाए खट्टर के ऊपर जो भी था, 1500 करोड़ रुपए और सुन लो 1500 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं मैंने अपने घर पे खर्चे, या तो रिकॉर्डिंग उसकी सुन लियो, बोल रहे मेरे सरकार ने एक पैसा नहीं दिया मैंने अपने घर पे खर्चे। अगर इतने देशभक्त था इतने देश प्रेमी है तो या खट्टर ये तो फिर हम इनको बीजेपी का कहेंगे, अगर इतने देश प्रेमी और पैसे घर पे लुटाने वाले आदमी है तो किसान आंदोलन में 1 करोड़ रुपया दे दे कटवाया वहां पर्ची, भाई 1 करोड़ रुपये में किसान आंदोलन को दे रहा हूँ यहाँ खाना पानी में लगाया जाइए, तो आपने खट्टर के ऊपर खर्चे 250 करोड़ रुपये, और जब तक आपका काम बढ़िया चल रहा था उस टाइम तक तो कुछ नहीं गया, ईब 5 साल वो पिछले भी काट दिए, 1 साल इसका भी लिकट लिया, आज बोल रहे जी 1500 करोड़ का हमारे हरियाणा का नुकसान हो लिया, उस दिन बोलने लग रहा, क्यों बोलने लग रहा, उसका कड़ी ना कड़ी अपना राजनीतिक हानि होगी अपना लाभ नहीं होया इस करके बोलने लग रहा, अगर नुकंदा पहले दिन आ जाता भाई भजन 250 करोड़ रुपए मैंने खट्टर फूक दिए और नुनू करके बात होगी, उस दिन मैं भी उसका साथ देता हाँ भाई तो सच्चा था ना पहले दिन ही बता दी बात, आज मेरा 1500 करोड़ का घाट हो लिया, 1500 करोड़ में तो मेरे नीलो खड़ी अड़केगा स्वर्ग बन जाता, स्वर्ग स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सारा कुछ बन जाता, सारी समस्या मेरी खत्म हो जाती, मान लो एक हल्के की पूरी की पूरी समस्या निमट जाती, अगर 1500 करोड़ खट्टर का प्रचार करने की बजाय नीलो खड़ी हल्के पकड़ लगाता। नमस्कार, मैं हूं मेघ शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल जींद रोड के प्योन टोल प्लाजा की, जहां पर पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हरियाणा को टोल मुफ्त हर जगह कर दिया गया है, हर एक टोल पर हरियाणा के हर एक टोल पर किसान बैठे हुए हैं और हरियाणा को इसी तरीके से टोल मुफ्त किया जाएगा। देखिए आज 31 दिसंबर है, कल नया साल 2021 की शुरुआत है और नए साल की सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगी भजन सिंह को जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और उनके सहयोगी पोली को। सर सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरे राम राम, थारा बेटा थारा भाई भजन सिंह मणक माजरा और मैडम जी आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। तो मैडम जी मैं कहना चाहता हूँ भाई जैसे कल की मीटिंग हुई थी इसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो किसानों ने उठाई और उन्होंने मान ली हो, ये समस्या दोनों की दोनों पुरानी है, जो ये कह रहे भाई 1 किले पे 1 करोड़ का जुर्माना अगर कोई पराली फूकेगा वो भी हम रात अंधेरे में फूक ले करे थे और रात ने खेत ना रोके लो बाधे करे थे हमको नहीं पता लगने देवे थे ना, तो हमारा काम नहीं चल जा करे था। दूसरे ने बिजली बिल जो वापिस करे भाई बिजली बिल वो जो एक चीज आई नहीं उसका मानना क्या पता, यहाँ अपने फायदे खातर कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे अपने फायदे खातर कर रहे थे, पर जो मतलब किसान का सिर्फ कोई फायदा नहीं हो इससे, जो 2 शर्त माननी है कल 50% बात बनी है जो इससे कोई फायदा नहीं होया, बस इतना अभी किसान का नुकसान होने से बच गया, जो कल मारा नुकसान होना था नहीं वो हमारा आज बच लिया, क्योंकि ये जो 2 काले कानून 2 वापिस हो गए, एक तो जो फाने जलाने का था और दूसरा था ये बिजली के भाई जो बिजली के ऊपर बिल लेकर आ रहा था, ये 2 हो गया, 2 हमारी जो मांगे रह गए MSP वाली और 3 काले कानून वापिस, वो वैसे के वैसे हमारे आज भी वैसे के वैसे बरकरार हैं, किसी किसान भाई को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनके अच्छी तरह जानता हूँ इसको, क्योंकि बीजेपी से संपर्क है मेरे भी और रहे हूँ बीजेपी में, तो ये अभी नहीं मानने वाले, अभी आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो मेरे पे एक धर्मपाल ट्रैली के लिए नहीं माना, तो मोदी जी तो बनाना बहुत दूर की बात है, तो संघर्ष अभी जारी रहेगा और संघर्ष में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, जो ये मानने इनकी कोई खुशी नहीं हमको अभी से, जो होगा 4 तारीख की अगली मीटिंग है 4 तारीख का हमारे को पता चलेगा भाई क्या मतलब कुछ मानने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि अभी से जो सरकार के अंदर संदेश आ रहे हैं वो यही है भाई कानून नहीं मतलब वो वापिस नहीं होंगे, और MSP पे जो ये गारंटी दे रहे हैं मैडम जी लिखित में गारंटी देने को तैयार हैं, जो ये बात बार बार आ रही है मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ लिखित में मैं भी कुछ ना कुछ लिख के दे दूंगा मैडम जी, मैं लिख के दे दूंगा कागज पे भाई लो 50,000 रुपए में कल मैडम जी आप मेरे से आगे ले जाना और मैं दे रहा आपको लिख के, पर इसमें ऐसा है मतलब अगर आपके पास मेरा चेक नहीं होगा अगर मैं मुकर गया कल को आप क्या कर लोगे मेरा, कुछ नहीं कर सकते। नेशनल मीडिया में तो कल तहलका मच गया था कि 2 मांगे मान ली गई सरकार द्वारा, कुछ नहीं है ये जो दोनों मांगे हैं तो
बिल्कुल नाजायज थी। जो करोड़ का जुर्माना किसानों के ऊपर किया है वो बिल्कुल नाजायज था, पहले कभी नहीं था कुछ भी ऐसा। कोई मारे ऊपर मतलब बिना बात के एक अंधा टैक्स लगा देते हैं किसी के ऊपर, वो स्कीम थी इनकी भाई। से सिर्फ किसान को डरा रहे हैं भाई, किसान खेती करने से डर के और जमीने छोड़ दे। कल जो अंदानी अंबानी को जमीने दिलवाने के लिए प्रोग्राम इनका चल रहा है, तो उसके लिए किसानों के फसलों के ऊपर जुर्माने भाई पराली फूकने के करोड़ जुर्माना कर दिया। यह बात वो बात ऐसे ऐसे यहाँ धोखेधड़ी थे जो कर रहे हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, मीटर लगवाए थे कल घर से बाहर, मीटर लगवाए थे हमारे, तो मीटर लगवाने में बताया था भाई चोरी रोकनी है, सुधर जो सारे चोरी नहीं करो, सुधर जो भ्रष्टाचार नहीं होने का, चोरी करो हमारे मीटर बाहर लग गया, हम लीगल बिल भर रहे जो हमारा बिल आ रहा। पर सरकार खुद भ्रष्टाचारी हो रही, सरकार भ्रष्टाचार, सरकार का खुद का भ्रष्टाचार चरम सीमा पा। और जो हमारे मीटर के द्वारा हमारा जो बैर लगाए थे हम बिल, हम तो सुधर गए पर सरकार नहीं सुधरी, क्योंकि आज भी हमारे पास जो टैक्स लगा रहे, जो टोल टैक्स है पीछे आपके जो प्योर टोल टैक्स की बात कर रहे, ये भी एक गुंडा टैक्स है, क्योंकि हर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स आ जा। उन दोनों टोल टैक्स के बीच का जो दायरा है 50 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का, उस पर कभी जिंदगी में 6 महीने में कोई एक आधा डंपर मट्टी का गिर गया, थोड़ी सी कोई सड़क बना दी, थोड़ी बजरी की कोई ट्रैली खड़ी होगी, थोड़ा सा काम करेंगे। बस्ताड़ा टोल टैक्स पर 2 करोड़ का नुकसान आ रहा, 2 करोड़ का नुकसान हो रहा सिर्फ 2 दिन में बस्ताड़ा टोल टैक्स का। पर वो जा रहा सारा नुकसान मेरे देश को रहा, इस टाइम देश का भी नहीं कह सकते सरकार का ही हो रहा, क्योंकि सारा सारा पैसा इनकी पोची में जाना था। रोडवेज में 5 रुपए एक्स्ट्रा जो टैक्स के कट रहे थे वो अभी भी वैसे ही चल रही है टिकट। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ भाई, रोडवेज के जो, और जो जब हम नई कार खरीदते हैं 80,000 का, उसमें हम पहले रोड टैक्स भर देते हैं 80,000-90,000 हमारी आरसी बनती है कार की। जब भी पैसे ले लेते हैं फिर टोल टैक्स रोड टैक्स लगाने की क्या जरूरत है। और इसका जो पैसा होता है ना सारा, सरकार अपने घरे भरने के लिए, सरकार घेरने के लिए, एमएलए खरीदने के लिए, या अपना सिर्फ अपना वो कर रहे भाई, मामा ऊपर चले जाए और किसान वहीं का वहीं रह जाए। क्योंकि किसान मना मैडम जी 22 साल खेती कर रखी, 22 साल मैंने अपनी खेती कर रखी, मेरी खेती में मम तो जानवरों तक कभी पेट भर रहे। अगर कोई गाय रोज नील गाय जिसने कहा मेरे गन्ने में लुकी रहा खेत में, ओटी मेरी क्यों खाएंगे रात ना, खट्टर की क्यों नहीं खानी वहाँ, वो खट्टर की बरसम नहीं खानी ना मोदी की बरसम खानी, ना इन पर जमीन है ना कोई मतलब है इस चीज से। जो बीजेपी वाले इस कानून का समर्थन कर रहे उनका मेन मैटर सिर्फ इतना कि भाई मारे घर चल रहे बीजेपी थे, उन अपने घर भरने, उन्होंने किसान ते कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, गलत कमेंट कर रहे। ये बीजेपी मान कल तक तो आतंकवादी पाकिस्तानी और खालिस्तानी पतन के बता रही थी। तो यही जनता जिसने बीजेपी सिर्फ पंचकुला में जीतने दिया, वो भी सिर्फ 2,000 वोट थे, 2,200 वोट थे जीती। अंबाला में सीट गई बीजेपी, बीजेपी आ रही है जो मेयर के चुनाव थे, तो विनोद शर्मा की बहू जीती शक्ति रानी, तो और जबकि उसकी जनहित पार्टी है, पार्टी भी अलग है, चलो कोई बात नहीं हमने कोई मतलब कोई जीतो। उसके बाद सोनीपत में, जो सोनीपत में भी आप ये सीट कांग्रेस कट गई, तो वहां भी बीजेपी आ रही है। और जो ये थी दूसरी पार्टी एक और आई थी अपनी, ये नवा उठे थे कांडे में, तो नवा लिख रहा था बच्चा के नाम है इसका दुष्यंत चौटाला, तो ये जेजेपी पार्टी थी इसकी सिर्फ 2 सीट आई, और 7, 8, 6 नंबर पर, 7वें नंबर पर इस तरह सारी जंग आ रही हूं। और आने वाले टाइम में बीजेपी का मुकाम सरपंच तक नहीं बनने देंगे, यू वादो लिया आपते वो नू लिया, क्योंकि मैंने बीजेपी कोई दुश्मन ही नहीं है, पर नुआ जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई सुनवाई नहीं किसी की, विधायकों तक की भी इस पार्टी में कोई सुनवाई नहीं किसी की भी, क्योंकि अगर हमारे पास कोई समस्या आएगी, कोई काम जाएंगे किसी के पास, विधायक जाएंगे, विधायकों की भी सुनवाई नहीं हो रही, ऊपर सिर्फ 2-4 ऊपर तानाशाही बैठे हैं, सिर्फ वो जो ऑर्डर पास कर रहे हैं वही सारे हरियाणा में, सारे देश में वही लोगों को मानना पड़ रहा है, और उनके आगे ये भी झुक रहे, ये भी मजबूर हैं। खुद बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं खुद ये मतलब पार्टी से परेशान है, उनसे खुद परेशान है, खुद पार्टी को छोड़ना चाहते हैं ये। अच्छा। क्योंकि ये खुद परेशान, क्योंकि चल नहीं रही इनकी, जनता को जूते मार रही, गांव में घुसने दे रही, कोई मूर्त पे आ जाए, कोई स्कूल के, कोई टुंटी करके, कोई किसी भी तरह का कोई ये उद्घाटन करने आ जाए, जनता अपने आप उद्घाटन कर रही है, इनको बढ़ने दे रही। खट्टर जी को अंबाड़ा से भगा दिया था, दुष्यंत चौटाला गया लिपेट पाड़ दी, क्यों पाड़ दी, क्योंकि लोग इनसे नाराज हैं, और जो इनकी चल नहीं रही ऊपर से इनको मलाई तो मिल रही है भरपूर मात्रा में, मलाई में कोई दिक्कत नहीं, मलाई तो पूरी अंजमी मलाई के जो मिल रही है इसी के लिए तो पार्टी में बैठे हैं, नहीं कभी अस्तीफा देगा, चल दे बन दे हैं, जो बार बार ड्रामे करना अस्तीफा देने के, इनका मेन मैटर यही हो अस्तीफा देने का, भाई कोई दूसरी मतलब ये मरते भाई डर जाएंगे, भाई सरकार गिर जाएगा दिन, तो कोई और पद दे दे ऊपर का, तो इन्हें और खाना मिल जा, जनता जनता देना कोई मतलब नहीं है। जो किसान आ इस तरह मरता जान लग रहा, पिसता जान लग रहा, सारे मरोगे मैंने अपने खेत में, जो फसल के रेट दें दे नहीं, और जो और दवाइयों के खार के रेट उन्हें बताते जान लग रहे, तो मन खुद घाटा होने लग रहा, हम जो ठेके पर ले अपने हिसाब किताब लावा तो बाद में वारा नहीं खाता। इन्हें सिर्फ मेन मकसद है भाई किसान ने मजबूर करके उसकी खेती छुटवा दो, अगर उस पर खेती छूट गई तो कल वो मजबूर हो जाएगा अपनी जमीन देने खातर, और वो ही अंबानी अंबानी चाहवा। जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, भले सो निहाल, जय श्री राम, जय श्री राम। अंबानी, अडानी और पतंजलि के आउटलेट्स के बाहर जाके जिस तरीके से कल भी करनाल में भी हमने देखा, उससे पहले सोनीपत और पहले पंजाब में भी इस तरीके से हाई अलर्ट जारी किया गया था उनके शोरूम्स के बाहर,
पुलिस जो है तैनात की गई थी ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्यों, क्योंकि पतंजलि तो देखिए स्वदेशी है, उसके ऊपर क्यों इस तरीके से किसान हावी हो रहे हैं? उसके ऊपर इस तरह हो रहा मैडम जी, अगर कोई बंदा रह रहा नहीं जिसने किसानों के नाटक करे थे, तो रामदेव ये भी तो बच रहा, और डेढ़ डांख आने उन्हें शर्म नहीं आंदी के वो पहला लंगोट बांध का वो दांती के लोग जो मान ली उन्होंने भी नाटक करे थे, उसकी भी एक फोटो मेरे सामने आई फेसबुक पर ही भाई हुआ मेरे पास लुक रहा था वो, और उसकी एक्टिंग का मैंने सारा सामान तैयार दर रखा, अगले इंटरव्यू में वो पेश किया जाएगा, क्योंकि वो जो उन्होंने भी लंगोट बांध लाल सा लंगोट बांध कर वो भी डमल बांध का सिर पर क्यों लग रहा काटन कड़ी बैठे हुआ, वो भी किसानों के नाटक कर रहा था। और सुन लो, कांग्रेस के टाइम में उन्होंने लोकपाल खातर आंदोलन करे अन्ना गल्लो मिलकर केजरीवाल गल्लो मिलकर वहां पर दिल्ली में, तो अन्ना हजारे आज सारा यू मैटर देख रहे, इससे बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा हरियाणा में, तो पूरे भारत में नहीं हो रहा, हरियाणा भी छोड़ो जन आंदोलन आयो, तो इसमें अन्ना जा रहे नहीं आगे बैठ रहे, ना कोई आंदोलन सपोर्ट कर रहे, ना आगे दो बात कर रहे, रामदेव खुद नहीं आ रहे, क्योंकि जो इनका प्रोपोगंडा है ना चलाया था ना भी कांग्रेस का सरकार गेर को सरकार घेर दी, पर बीजेपी में आगे ना जो मलाई मिलनी थी वो मलाई मिल रही है ना, इनका काम बढ़िया तरीके चल रहे हैं, किसानों को सुनने के मुद्दे तो कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने घर भरने अपने पेट पालने बस इस तरह, और एक हमारी जनता की भी बहुत बड़ी इसमें गलती, एक बार भाई साहब जनता दिखाओ पीछा थोड़ी सी, तो यू टोल टैक्स पर बैठे हम प्योत धरना उधर चल रहा, लोग उधर बैठे हम इधर खड़े थोड़ा इंटरव्यू खातर इधर आ गया ट्रैक्टर के ऊपर, और ट्रैक्टर किसानों का ट्रैक्टर के सिवाय कुछ नहीं है, और ट्रैक्टर एक कसी है मेरे पास, और मेरे पास कुछ है भी नहीं है, और मैं जनता से ये भी कहना चाहूंगा भी बार बार हम एक ही विधायक न बनाते जा रहे, एक ही सांसद न बनाते जा रहे, वो अपना जोड़ आगा उसी से पकड़ा जाएगा अपने बेटे थे, दोबारा भाई यू मेरा बेटा ही विधायक बनेगा, मेरा ही बेटा सांसद बनेगा, और ये इतनी जनता उनके 5 साल में उनके घर पर जा, जो उनके रिश्तेदार के काम होने वहां भी हो जा, उनते दोबारा दोबारा मौका ना दो, जिस मर्जी से वोट दो, चाहे कोई नवी पार्टी आजाद ना बना लो, बाकी उन आजाद बनाकर देखे तो धर्मपाल चले वो भी बीजेपी में गया, उन्होंने भी छोटो 6 बनाए थे आजाद, 6 के 6 बीजेपी में चले गए, तो बाकी फिर भी अपने से आप चलो जिस तरह में इतनी तो थाना नहीं कह सकता भाई मेरी मानोगे, जिस तरह थारा दिल करा वैसे एक तरीका दे रहा था ना, अगर कोई विधायक थारे गम्मा हुआ उस पे नहीं हो थर पे तो वोट लेगा, उसने कहना सारा गांव में एक जगह 10 मौजी आदमी बटले कर लियो, उन उस विधायक पे एक चेक ले लियो, 5-4 चेक ले लो उस पे दे, और खाली चेक ले लो वहाँ चपी से बरवा के ले लियो, और जब वो कल्ला कहेंगे भाई तो हमारे गांव में तो जाएगा जीत का, और सारा गांव बैठ का समस्या लिख लो मेरे गांव में यू काम होना चाहिए, अगर कल्ला बाई चांस गलती दे जीत जा उन्हें समर्थन भी किसी पार्टी से करना, अगर मैं गांव का कोई भी मुद्दा कोई भी काम उससे कहेंगे और ना मानना तो उसका चेक ठेगा कोर्ट में लाओ, मरे भी पक्के हाथ हो जाएंगे, क्योंकि वोट लेगा ना भाग सका, जिस तरह धर्मपाल मेरे पे बैच गया 80,000 रुपये मेरे खर्च करवा दिए इलेक्शन में, उसके बाद एक पानी की ट्रैली की छोटी सी डिमांड करी, मेरे आदरणीय मेरे पूजनीय मेरे बुजुर्ग हैं पूरा सम्मान है मेरे विधायक हैं, कोई गलत कमेंट नहीं आज तक करी, 11 तारीख तक मैं ट्रैली मांग रहा और आज तक मेरे को ट्रैली नहीं दी गई, अगर ये विधायक हमारा एक ट्रैली नहीं दे सकते तो आगे ये जाके हमारा मतलब क्या भला कर देंगे, कोई स्कूल बनवाना हो या कोई बच्चा नौकरी लगवाना हो या कोई और भी माना कोई और किस्तरियों का काम हो, तो यहाँ मतलब हमारा आगे साथ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक छोटी छोटी समस्या अगर आप कोई भाई मेरे पर कमेंट कर दा फेसबुक पर भाई लता ना बता बढ़ा दा धर्मपाल की कुर्सी वा, अगर मना कोई बैठा था बाई चांस में बैठता नहीं इस काम के टेक्कर में जाता, बाई चांस की बात कर रहे हैं, अगर मैं कोई कहा था भाई तना बैठा था, अगर मैं उनका भाई इतनी बार मेरे तक कोई निकाना पड़े था ट्रैली खातर 8 घंटे में या 5 घंटे में एक दिन में 12 घंटे में ट्रैली पहुंचा था उस बंदे के बार, मगर अगले ने इतनी समस्या थी और ट्रैली भी किसानों दे पानी पियान खातर आ ना कि कोई मैं अपने घरों यूज करने किसी गरीब की बेटी की शादी हो उसमें यूज हो जा, एक धर्म का काम है मैडम जी, इंसानियत के नाते भी मेरे को ट्रैली दे देनी चाहिए थी। तो जिस कस्सी से जब बाढ़ आ गई थी SYL का जो पानी आया था वो कस्सी काम आई उस बाढ़ को खत्म करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल काम आई वो, और अब वो मेरे ट्यूल पे जहाँ पे उसकी असली ड्यूटी है वहीं पे चली गई है वो, मैं भी अपने खेत में पड़ा ना कोई मैंने राजनीति करनी ना किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाना, मेरे किसान की लड़ाई इससे पहले 10 कानून मार पला दे गए, चाहे उसमें नोटबंदी हो चाहे लॉकडाउन हो चाहे GST कुछ भी हो, मैंने किससे कोई मतलब नहीं था, हाँ मरा आम इंसान मरे नहीं मरेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जो अभी है ना अभी आने वाले टाइम में जो इस कानून का नुकसान है वो 50% जनता तो आने से पहले देख चुकी है और 50% इसका नुकसान आने के बाद देखेगी, भाई क्या नुकसान है इन कानूनों का। जिन पतंजलि के रामदेव की आप बात कर रहे हो उन्होंने तो इन 3 कानूनों को सही बताया था, जो जिन्होंने इन कानूनों को सही बताया था सब पहले तो इनको जो हरसिमरत कौर बादल है पंजाब से वो भी सही बता रही थी, पूरे बीजेपी के सांसद सही बता रहे थे सबके, उससे मतलब जिनका गठबंधन टूटा बादल का वहां पे पंजाब में, तो बाद में तो इस पे पचड़ा पड़ा और इन्होंने कहीं ना कहीं यूं थी भाई कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन की आड़ में इन कानूनों को पास करवा लिया जाए और इन्हें पास करवा के ना लागू कर दो चुपचाप जनता बोलने की नहीं, पर जनता ये मूर्ख सोच रहे थे, जनता सियाणी लिकड़ी, सियाणी लिकड़ने की वजह से जनता इन कानूनों ने ना समझ गई, समझने की वजह से रोला पड़ गए, इब रोला पड़ गया, मोदी जी फंस रहे हैं दोनों तरफ, अगर इन इधर तो आओ किसान पहला उधर जाओ अंदानी अंबानी पहल रहे उसका, वो कह रहे भाई ना रख कानून ना ना और जनता कह रही भी रखने नहीं, तो बीच में चौकीदार था नहीं जो चौकीदार फंस गए इस टाइम ऊपर ना भी नहीं जा सक रहा इधर भी नहीं आ सक रहा दोनों तरफ से फंस लिया, वो फंस लिया नू अगर अंदानी अंबानी ने अपना सारा सिस्टम भारत में चलो 25 लाख करोड़
25 लाख करोड़ का बिजनेस हमारा कृषि प्रधान देश है, भारत देश है जो हाँ, 25 हाँ, लाख करोड़ का बिजनेस है यू कृषि का हाँ, तो यू सारा का सारा अंबानी अंबानी के हाथ में देने लग रहे, मोदी जी देने लग रहे, मंडी की व्यवस्था से तंगा परेशान है, खरीदना बेचना इस सारे झंझट से पांडा छूट जाएगा, मंडिया की जो जगह छूट जाएगी वो सारी की सारी है ना दोबारा मंडी की जो जगह होगी, ये सारी की सारी अंबानी अंबानी को बेचेंगे, इन्हीं के सेट लगा देंगे इस जगह में, और जो अपनी सिरदर्दी है फसलें खरीदने की बेचने की इन सारी सिरदर्दी से सरकार का पैंडा छूट जाएगा, और बार बार जो गले में जाकर रस्सी पहला नहीं किसान सरकार के वह नहीं पा सकने के, उस सारी चीज से पैंडा छुटवाने के मारे कृषि कानून लाए गए हैं, वरना इतनी बड़ी बात नहीं थी अगर इतने बड़े बड़े इल्जाम मोदी ने मार पर लगा दिए। कल मंत्रियों ने किसानों के साथ खाना भी खाया, कल मंत्रियों ने खाया, अब वो कहीं ना कहीं झुक गए अब इवन खाना खा रहे ना उन आतंकवादी लग रहा किसान हाँ। ना पाकिस्तानी लग रहा हाँ। के बीच में बैठकर रोटी खा रहे खाना तो इसी अन्नदाता का खाते हैं ना सारे। खाना भी खावा और जो आ रहे हैं रिजल्ट देखे यू रिजल्ट देखा प्रेशर पड़ा सरकार पर भाई हो गया के यू क्योंकि इनकी छुट्टी होने वाली होगी उड़ते भाई जाएंगे, पर बीजेपी ने भी सोच ली भाई हरियाणा और पंजाब दो राज्य अगर मेरे हाथ से लिगड़ भी गए और पता है इस बात का भाई यहाँ दो स्टेट धारते वोट देंदी को नहीं चाहता, इनके पैर पकड़ के मर्जी हो यहाँ दो स्टेट में थारी सरकार को नहीं आनी, इसकी भरपाई यहाँ पश्चिम बंगाल ममता पे पूरी करने की सोच रहे, अगर मेरे हरियाणा में 10 सांसद हैं 9-8 सांसद मेरे साथ पंजाब में होंगे 20 सांसद लगा लो टोटल हो गए, अगर 20 सांसद इनके हाथ से निकला सरकार बनने में कल्ला तो पश्चिम बंगाल में 40 सांसद है जिसमें बीजेपी के पास 20 है, 20 की भरपाई वो यहाँ वहां से पूरी करने की सोच रही, अगर एक बड़ी स्टेट पश्चिम बंगाल में न मिल जा यहाँ दो कटड़े हमारे हाथ में जो उनसे लिकड़ गया नहीं हरियाणा पंजाब मैम इनकी भरपाई पश्चिम बंगाल में पूरी कर ला, और बार बार उनके विधायक थे उनके सांसद थे लालच दिया जा रहा सिर्फ गेरण खातर, जो हमारा पैसा है यू किसान ना नहीं दे सकते, वो कह रहे सरकार कह रही 300 करोड़ का घाटा हो जाएगा अगर MSP हम ना फसल तुम्हारी बेचेंगे वो हमारे पे लेवेंगे, पर 300 करोड़ का घाटा जो मानना होगा वो हम कहां से पूरा करेंगे, मरते नहीं दे सकते ओटा सांसद खरीदने में सरकार गेरण में कोई बड़ी स्टेट में ओटो पैसा खर्च कर लेंगे अपने लिए जहाज भी ले आएंगे सारे काम कर लेंगे, पर जो किसानों का भाई अगर बल हो जा क्यों क्योंकि भाई किसान अगर ऊपर लिकट गया कल हमारे सवाल पूछेगा जूत मारेगा हमारा, तो इस करके ये सोच रहे किसान दबे हुआ इन्हें सिर्फ राजनीति खातर यूज करो और इन्हें दबा कर रखो हमेशा खातर इन्हें ऊपर नहीं उठने दो, इसी करके MSP अगर मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री है बड़े दिल से चाव से सारे देश ने बनाया था पूरे बहुमत की सरकार दी थी 303 सीट दी थी, तो अगर वो कह रहे थे मैं गरीब आदमी उन्होंने गरीबी देखी भी हुई है चलो उन पे क्या जोर पड़ जाएगा अगर उनकी वजह से किसानों का बल हो जाएगा MSP हमारे को मिल जाएगी तो हमारा तो बल ही हो जाएगा सारी जनता का बल हो जाएगा, और हम भी इस पचड़े में बरसों से फंस रहे और कहीं ना कहीं ये जो अब भी लोग कर रहे हैं भाई मैं बीजेपी मैं कांग्रेस और मैं JJP और मैं NLO जो कर रहे हैं ना लोग इनकी मानसिकता है ना जो मानसिकता सोच है इनकी मानसिकता की वो गुलामी वाली बन गई क्योंकि बरसों से हमारे ऊपर मुगला ने राज कराया उसके बाद 200 साल अंग्रेजा ने राज कराया उसके बाद 60-70 साल इटली माता ने राज कराया 6 साल बीजेपी राज कर रही इनकी कड़ी न कड़ी अपने आप आजाद समझ नहीं सकते यहाँ कड़ी न कड़ी ने सोचा हमारे ऊपर किसी का राज हो हम किसी पार्टी से जुड़ कर किसी की तड़ा लग कर रहा हूँ हम ये बीजेपी कांग्रेस का फायदा नुकसान बता दूंगा मैं क्या बनने का मैं आज तक बीजेपी का था बीजेपी का जोड़ा भी दे रहेगा वोट भी दुआई संजय भाटिया दे भी दी सारे काम करे आज तक मेरे लोग दोबारा कोई साया नहीं मैं कभी भी अगर टोल टैक्स मैंने जाकर कह दिया भाई मैं बीजेपी का हूँ या मैं कांग्रेस से वोट दी थी चाहे मैंने बस्ता दे रहा था मेरी गड्डी काट दो मेरी किसी ने गड्डी नहीं काटी किसान में इतनी ताकत है जिसने भी जुड़ना किसान से जुड़ो किसान में इतनी ताकत है पूरे हरियाणा का टोल टैक्स फ्री पड़े आज ठीक है सड़क रोकने की कोशिश करी बाणी के बोछारे मारे डंडे मारे सड़क पाड़ी सारे काम करे किसान की ताकत क्या आज सरकार झुकी दो बात और तीसरी बात के जो मैं किसी दुकान पर गया डॉक्टर कल मेरा 2 दिन तक बुखार था जगदीप भाई नगरोंडा थे मेरे पास फोन करे भाई वहाँ टोल टैक्स पहुंच तो मेरा पहुंचा हाँ बस जो भी था मेरा 2 दिन बुखार था आज मैं दोबारा फोन में आया हूँ और रिव्यू तो पूरी तरीके नहीं आ सका आऊंगा थोड़े दिन में 2-4 दिन और लग जाएंगे मैं और अगली जो दवाइयां ले रहे वहां लेकर आना पड़ेगा मैं तो जो नहीं मेरी बात पूरी होने दो जो मतलब ये किसान है ना सर अब जैसे निल्लो खड़ी भाई का नाम है शुभम डैडी का नाम है चुग उसके पास मैं बुखार की दवाई लेने गया उसने मेरी शक्ल देखी देख दी सर इज्जत सम्मान प्यार करे मेरे भाई यहाँ यू भाई किसान खातर कर रहे हमारे खातर कुछ कर रहा मेरे ते फ्री में दवाई दी अच्छा। मैं सारी उम्र होए मेरे पे 1 रुपया नहीं लिया नाम शुभम चुग उसके डैडी का नाम निल्लो खड़ी प्रणामी के श्याम उसकी दुकान हाँ जानते हो तो जो उन्होंने मेरा 1 रुपया लिया जब तक आज तक मैं बीजेपी कांग्रेस का था तो बिल बनाया कर रहे थे ला भाई तेरे 120 रुपये हो गए किसी नूबी को नहीं गया 110 दे दे तो बीजेपी कांग्रेस का बीजेपी कांग्रेस की कोई इज्जत नहीं अकड़ी भी किसान की इज्जत आ किसान से जुड़ो किसान से लगो किसान के लो रहो क्योंकि थारी पूरी इज्जत भी होगी क्योंकि बीजेपी में तो विधायक है के भी काम नहीं हो रहे इस टाइम अगर तुम देखो तो विधायक भी अपना काम नहीं लेकर आ सकता बीजेपी पे तो हमारे जैसे आम नागरिक के तो कड़ा काम हो जाएंगे विधायक भी हाथ जोड़ दे फिर रहेंगे चल विधायक भी कौन नहीं रही सांसद भी कौन चल रही है यह अब सच्चाई है पर ट्रैली वाला इतना बड़ा मुद्दा नहीं था क्योंकि धर्मपाल का लड़का शिव गोंदर एक सरकारी नौकरी पर खुद अपने पैसे में तो मेरे ट्रैली दे सका।
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और जिस तरीके से कुछ किसान अभी सोए हुए तो जागरूकता कुछ उसमें ये कह लो भाई, ये जो ऊपर से कानून है बीजेपी ले रही है, तो बीजेपी भगत अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली हैं, अंधभगत जिसको कहते हैं भाई, जो मतलब उन्होंने सिर्फ चाहे कोई गलत प्रमाण भी ऊपर हो गए सही बताना, अगर सही होता तो सारा देश नहीं उड़ा जाकर बैठे था। इब कहीं ना कहीं मोदी ने पता चल गया भाई कमजोरी तेरी पकड़ी गई, चोरी लीक होगी, पर ऊपर से भी व्यवस्था हो, ऊपर से भी व्यवस्था होने के कारण भाई ऊपर तो प्रेशर आ नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं, बच्चे छोटे छोटे ठंड में बैठे कोई मारा दुख नहीं देख रहा, ओडा लेडीज कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो लेडीज आ रही उठा, कोई भी जाकर देख लो आप तो जैसे मतलब यहाँ अलावा दो रही मिलो मना मारे, वहाँ का पत्रकार नहीं आ उठा इतना नहीं जानता, वहाँ सिर्फ पंजाबी पत्रकार फिर रहे, तो वहाँ उन इंटरव्यू चाहिए पंजाबी भाषा में, तो पंजाबी मेरे पानी को नहीं, हरियाणी वो लेंदे को नहीं, मैं उठा बैठ के भी सारे आ लेडीज दिखा दूंगा अपना, अपने आप पे तो मैं अपनी लाइव वीडियो घेरता को नहीं कदी नू नहीं घेरता भाई, अपनी पब्लिसिटी कर रहा है मना को नहीं करनी पब्लिसिटी, किसानों की लड़ाई है किसानों के बीच में बैठ कर लड़ूंगा, तो वहाँ तो लेडीज भी आ रही कनाडा अमरीका थे लेडीज वहाँ धरने पर बैठी, रोटी पो रही कपड़े धो रही मतलब पूरी सेवा भी कर रही, दाल चावल भी बना रही, सारा अर्थरी हमारी लेडीज मारे छोटे छोटे बच्चे सहयोग कर रहे आंदोलन में। और रॉकी मित्तल जो पहले सरकार में थे अब उन्होंने सीएम के खिलाफ गाना बनाया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ तो उसके बारे में थोड़ी सी गलतफहमी थी मेरे को पहले वो क्यों, अच्छा एक गलतफहमी भी उसका भी एक कारण है मैडम जी, उन्होंने कहा भाई अपने आप ही कह रहे हैं वो, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने असला मसला जो न्यूज चैनल है उस पर इंटरव्यू दिया था भाई 1500 करोड़ रुपये खट्टर की जो प्रचार करे खट्टर को उस पर मैंने खर्च दिया 250 करोड़ एक साल के मैंने खर्चे, हरियाणा एक हरियाणवी को ऐसे ऐसे स्लोगन बनाकर न लगवाए चाहे गाने बनाए खट्टर के पर जो भी था 1500 करोड़ रुपये, और सुन लो 1500 करोड़ रुपये ये कह रहे भाई मैंने अपने घर पे खर्चे, या तो रिकॉर्डिंग उसकी सुन लियो बोल रहे मेरे तो सरकार ने एक पैसा नहीं दिया मैंने अपने घर पे खर्चे, अगर इतने देशभक्त था इतने देश प्रेमी है तो या खट्टर ये तो फिर हम इनको बीजेपी का कहेंगे, अगर इतने देश प्रेमी और पैसे घर पे लुटाने वाले आदमी है तो किसान आंदोलन में 1 करोड़ रुपया दे दे कटवाया है वहां पर्ची भाई 1 करोड़ रुपये में किसान आंदोलन को दे रहा हूँ यहाँ खाना पानी में लगाया जाए, तो आपने खट्टर के ऊपर खर्चे 250 करोड़ रुपये, और जब तक आपका काम बढ़िया चल रहा था उस टाइम तक तो कुछ नहीं गया, 5 साल वो पिछले भी कट दिए, एक साल इसका भी लिकड़ लिया, आज बोल लिया जी 1500 करोड़ का हमारे हरियाणा का नुकसान हो लिया, उस दिन बोलने लग रहा क्यों बोलने लग रहा, उसका कड़ी ना कड़ी अपना राजनीतिक हानि होगी अपना लाभ नहीं होया इस करके बोलने लग रहा, अगर नुकंदा पहले दिन आ जाता भाई भजन 250 करोड़ रुपये मैंने खट्टर फूक दिए और नुनू करके बात होगी, उस दिन मैं भी उसका साथ देता हाँ भाई तो सच्चा आता ना पहले दिन ही बता दी बात, आज मेरा 1500 करोड़ का घाटा हो लिया, 1500 करोड़ में तो मेरे नीलो खड़ी अड़केगा स्वर्ग बन जाता, स्वर्ग स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सारा कुछ बन जाता, सारी समस्या मेरी खत्म हो जाती, मान लो एक हल्के की पूरी की पूरी समस्या निमट जाती, अगर 1500 करोड़ खट्टर का प्रचार करने की बजाय नीलो खड़ी हल्के पकड़ लगाता तो मेरा काम भी बनक माजरा भी उसमें आ कुछ ना कुछ मेरे बांटे में भी आंदा कुछ विकास होता कोई स्कूल बलदा मेरे बच्चे है मेरे गांव के बच्चे बढ़िया मतलब कुछ ना कुछ असली पोस्ट अच्छी पोस्ट पर जाते। देखिए आज बिना पानी पिए भजन सिंह ने इतना कुछ कह डाला, तो आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। सर पूड़ियां आपने बनाई थी कुछ क्योंकि इस्तीफों का दौर लगातार चल रहा था, कुछ असर हुआ उनका? हाँ जी बहुत बढ़िया असर है बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी नानी के चमेली देवी का, हम सारे नारा लाइयो भाई चमेली देवी अमर रहे, चमेली देवी चमेली देवी, धन्यवाद है मेरी नानी जी का क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस काबिलियत पे पहुंचा हूँ भाई, आज अगर मेरी नानी ऊपर बैठी होगी तो देख कर बड़ी बड़ी खुश हो रही होगी भाई, मेरे दो तैनात पुड़िया बनाई थी भाई उन अच्छा काम करे लेने थे पहले ही, और सुन लो ये सरकार क्यों नहीं मैंने ऋण मांगा ना क्योंकि और भी इनका कई बीमारियां या नुचाओ मान उनकी भी दवाई मिल जाए फ्री में मिल जाए पीछे लाने पड़ा, इसी कर का कानून वापस नहीं ले रही, पर 4 तारीख तक इंतजार कर ला, अगर नहीं बात बनेगी तो फिर वो दवाइयां बोर्ड फिर और जो जो खाज खुज लिया किसी का उनकी भी दवाइयां पेश की जाएंगी। तो अंत में iBand24 के व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा, मेरे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई मेरे से प्यार करते हैं बहुत प्यार मिले आपसे बहुत सम्मान मिले बहुत इज्जत मिली, सबको नए साल की शुभकामनाएं बिल्कुल दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, और ज्यादा से ज्यादा आंदोलन में भाग ले, 2-4 दिन की ठंड रह रही है और 2-4 दिन और रामचल ओके सोके गड़का हमें कुर्बानी दे लेंगे थारे नाम की, उसके बाद आप लिखड़ जो करो थे बहुत हो लिया बहुत मनमानी हो ली मोदी और ने तो फैसला कर लिया भाई 2 स्टेट मारे आते जाएंगे इसकी भरपाई और किंग इतमाना पूरी करनी यार, पर कानून वापिस नहीं लेने एक सच्चाई आ, 4 तारीख ने अभी 90% में गारंटी दे रहा इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता, 10% कोई निकलता दूसरी बात आ, क्योंकि इब तक की जो खबर आ तो उसमें मेरे हिसाब से कानून वापिस लेने नवीन तैयार हुआ, और MSP लिखित में दे रहे MSP के ऊपर कानून नहीं बना रहे, जो लिखित में दे दिया सरकार मरते पहला भी मंडिया में मतलब यही मारे गलो भेदभाव कर दिया रही भाई रेट तो 1975 खरीद 800-900 रुपये में पूछे सरकार ते भाई था ना लिखित में गारंटी दी थी सरकार पता क्या कहेगी आगे थे नू कहेगी 1 अक्टूबर ना रेट आवेगा 1 नवंबर ना रेट आवेगा उस टाइम खरीदेंगे, इतना किसानों ने बोरिया में पैकिंग करके भी रहेगा नहीं तो इतना तो उसका मंडिया का बिल बन जाए इतना हमारा बारदाना खर्चा पड़ जाए जितना रेट नहीं मिलना मानना भाई जो उस पर भी वजन भी कम हो जाए मतलब जितना उसको मानना फायदा नहीं होना उतना नुकसान हो जाए सरकार के पास, अगर ये जो लिखित में दे रही है ना
तो इसमें दोबारा वही समस्या आ जाएगी, एक तारीख से खरीद आवेगी और फसल मारी कोई ढाई महीने की भी हो, तीन महीने की भी हो, 15 सितंबर ना भी तैयार हो जाए, 20 सितंबर ना भी तैयार हो जाए, तो 1 अक्टूबर तक हम उन्हें खेत में तो रख नहीं सकते, बारिश आ जाओ और सो नुकसान गिर जाए, फसल आंधी बैठ आ जाए। तो हम कहना चाहवा भाई इस पर गारंटी कानून बना, जब भी किसान अपनी फसल मंडी में लेकर जाएगा, चाहे उसकी 2 महीने की फसल हो, चाहे 3 की हो, चाहे टमाटर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मूली हो, चाहे मटर हो, आलू हो, तो उस पर हर एक पा भाई MSP यूएस का MSP आ, और इस पर गारंटी कानून बना फिलहाल के लिए। तो मतलब दाड़ा दूड़ा बजी इस तरह 5100 रुपये दाड़ कर रखा काग जमा, दाड़ का रेट और खरीद रहे 1900 रुपये 2400 रुपये, तो इस चीज़ का तो कोई लाभ नहीं, इस चीज़ का तो हमने नुकसान ना। तो हम कह रहे भाई इस पर कानून बन जा, कानून बनेगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तरह सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोले सो निहार, जय श्री राम, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। और भाई भजन का बड़ा भाई है पंजाब, बता दियो जगह खटरना और कोई पानी नहीं, चिंता मना। मैं अपने जो भी कुछ रिकमेंडमेंट कर रहा, अपने पूरे गांव की सहमति दे कर रहा, पूरे मनक माजरे ने मेरे सिर पर आदर रखा, उनका बेटा ला लो, उनका बड़ा भाई ला लो, जो भी मैं बयान दे रहा भाई पंजाब का पानी नहीं चिंता, तो पूरे मनक माजरे ने चिंता। और जो भी हम कह रहे आंदोलन में हम बढ़ चढ़ का भाग लेंगे तो सारा गांव लेगा, ट्रैली लेगा तो भी सारा गांव लेगा, और जो भी कमिटमेंट कर दी उनकी तरफ से, अगर मेरे गांव में किसी महल का प्रोग्राम नहीं किया जाएगा तो सारा गांव मेरे साथ है। जो मेरे भाई मेरे से थोड़ा बहुत रुष्ट भी हैं तो उन्होंने भी आज मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर मान नहीं अपने गांव में प्रोग्राम किसी का कर लिया तो कल और लोग मरते कहेंगे अपने गांव में तो इसके प्रोग्राम होने लग रहे और लोगों ने सलाह देता फिरा। तो सब भाइयों और सब मैं अपने बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ भाई किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ का भाग लो, भरपूर साथ दो, जिनका भी थारी मदद हो सका, जितनी भी हो सका उतनी किसान की मदद करो। देखिए ये थे भजन सिंह, करनाल जींद रोड के प्योन टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। और भजन सिंह ने जिस तरीके से कहा कि आने वाले समय में किसी राज्य में बीजेपी सरकार को तो छोड़िए, किसी गांव के सरपंच को भी हम आने नहीं देंगे। और आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक ग्रुप में, हर जगह इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। और देखते रहिए IBN 24।